वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन बिरला, ऑप्शन ए सही होगा। तो केरल कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी सुमन बिरला स्पेन के मैड्रिड में अपने मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WNWTO में शामिल होने के लिए तैयार हैं और वो अगले सप्ताह WNWTO के D1 स्तर पर निदेशक तकनीकी सहयोग और सिल्क रोड डेवलपमेंट के रूप में कारोबार संभालेंगे। एक विशेष एजेंसी जो कि जिम्मेदार टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन निकाय के जो वर्तमान में जो सदस्यता में जो देश शामिल हैं वो हैं 158 और इसकी स्थापना अक्टूबर 1975 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर हर साल 26 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और ये दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन की जयंती का प्रतीक है। भारत इस वर्ष में डॉक्टर कुरियन की 98वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का जो महत्व है वो इस तथ्य में निहित है कि ये दिन किसी व्यक्ति के जीवन में दूध के महत्व को संबोधित करता है। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने पहली बार इस दिन को मनाने की पहल की थी। पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था जिसमें 22 राज्यों के विभिन्न दुग्ध उत्पादकों ने भाग लिया था। ठीक है, बात करें संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जो दिवस है वो राष्ट्रीय दिवस दुग्ध दिवस के रूप में 26 नवंबर और UNO के द्वारा अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर तो ये 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक, ऑप्शन बी सही होगा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किया है। मेला का उद्देश्य पारंपरिक आदिवासी कला और शिल्प को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है और कारीगरों को अपने उत्पादकों की व्यावसायिक व्यवहारता के लिए क्रॉस सांस्कृतिक इंटरैक्शन के माध्यम से अपने कौशल को विकसित करने से बेहतर अवसरों को खोजने में मदद करना है। ठीक है, और इसमें देखिए सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल की सहित 18 राज्यों और 240 से अधिक आदिवासी कारीगर इस मेले में भाग ले रहे हैं। ठीक है, बात करें उड़ीसा की तो इसकी राज्यपाल हैं वर्तमान में गणेशी लाल और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। हाल ही में रेलवे ने किस स्थान पर वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे ने हैदराबाद में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना तेलंगाना के हैदराबाद में की गई है। ये नई इकाई रेलवे वित्त के प्रबंधन में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा 85 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की कल्पना और निर्माण किया गया है और भारतीय रेलवे में वित्तीय संस्थान के क्षेत्र में देश के प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों की सूची में महत्वपूर्ण प्रवर्धन है। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस से संबंधित प्रोबेशनर्स के आगामी बैच के पास होने का भी इसमें प्रशिक्षण मिलेगा। बात करें रेल मंत्री कौन है, तो वो हैं पीयूष गोयल और जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 5। हाल ही में जारी की गई वैश्विक समृद्धि सूचकांक में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? क्योंकि बेंगलुरु ही भारत की ओर से शीर्ष स्थान पर है, तो ये मिला है 83वां, ऑप्शन ए सही होगा। तो उत्तरी स्पेन में बिलबाओ की राजधानी बास्क में सर्वप्रथम प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सीलैंड अवार्ड्स सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक न केवल एक शहर की आर्थिक वृद्धि की मात्रा को प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया बल्कि आबादी में इसकी गुणवत्ता और वितरण भी दर्शाता है।
तो इसमें बेंगलोर आर्थिक और सामाजिक समावेश के मामले में दुनिया की 113 शहरों में एक नए सूचकांक में 83वें स्थान पर भारत का उच्चतम रैंक करने वाला शहर है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक शहर शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इस सूची में दिल्ली 101वें और मुंबई 107वें स्थान पर है, और इसके साथ ही शीर्ष 20 को दुनिया के सबसे उच्च रैंक वाले शहरों में समावेशी समृद्धि के निर्माण के लिए PICSA सील से सम्मानित किया गया है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा के शीर्ष अंक हैं। कोपेनहेगन, लग्जमबर्ग और हेलसिंकी शीर्ष 5 को पूरा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ACI तीरंदाजी चैंपियनशिप में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस्य पदक, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास ने कोलकाता में ACI तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने चैंपियनशिप को में पदक जीतने के लिए चीन को 6-2 के अंतर से पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हुआ 26 नवंबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो 1949 में इस दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की अधिग्रहण को चिन्हित करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2019 में ये संविधान को अपनाने की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ संविधान, जो भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। संविधान में व्यक्त मूल्यों सिद्धांतों के प्रति नागरिकों को जागरूक करता है। इस सभी नागरिकों को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सही भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान को पूरा करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 8। किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में लायन सफारी का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा इटावा, ऑप्शन बी सही होगा। तो 24 नवंबर 2019 को इटावा लायन सफारी को शेर अनुवाग के बिना उत्तर प्रदेश में जनता के लिए खोल दिया गया है। तो ये 350 हेक्टेयर क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी सफारी पार्कों में से एक है। इसे बच्चों के साथ साथ युवाओं के लिए एक शिक्षा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में नौकरियों में खिलाड़ियों को 5% आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने ग्वालियर की कैंपू खेल परिसर में क्षेत्रीय ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करते हुए घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि प्रतिभाशाली बच्चों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश में अंडर 16 जोनल ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तीसरा सैन्य साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? जिसका आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका चंडीगढ़ में आयोजित। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में 3 दिन लंबी सैन्य साहित्य महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम सैन्य साहित्य और संबंधित कार्यों से संबंधित ज्ञान की आदान प्रदान को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच होगा। इस अवसर पर विख्यात रक्षा और साहित्यिक लेखकों की 10 पुस्तकों का विमोचन भी होगा। राइट, तो ये रही आज की वीडियो की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि अपने स्टडी के आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में फॉर्च्यून की सूची में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी सत्या नांडीला। और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए क्लाइमेट इमरजेंसी, ऑप्शन बी पेड मीडिया, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपको इसका आंसर अगर वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए उसका आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।